हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो एक क्लासरूम में फोर फ्रेंड्स हैं और ये जो फोर फ्रेंड्स हैं ये बैठे हुए हैं ए बी सी और डी पॉइंट्स पर। अब आगे दे रखा है, चंपा एंड चमेली वॉक्स इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये फोर फ्रेंड्स बैठे हुए थे, चंपा और चमेली जो ये दो गर्ल्स हैं, ये क्लास के अंदर आई और क्लास के अंदर आके इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ देर वहाँ पे खड़े रह के। और वहाँ पे उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद चंपा ने पूछा चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो यहाँ पे चंपा ने बोला है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है ऐसा कि जो ये फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी बैठे हुए हैं पॉइंट्स पर, तो ये जो फोर फ्रेंड्स जो ए बी सी डी पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो चमेली जो है वो चंपा की बात से डिसअग्री करती है, वो बोलती है उसके अकॉर्डिंग चमेली जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं बैठे हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो चंपा बोल रही है कि वो स्क्वायर शेप में बैठे हुए हैं तो वो बात सही है या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है तो उस फिगर से हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी और डी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, तो ए जो है वो हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है और ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो स्टूडेंट्स है 3 4। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4। इसके बाद जो हमें बी दे रखा है वो यहाँ पर है और बी के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6 7। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ 6 7। इसके बाद जो सी है वो यहाँ पर दे रखा है हमें और सी के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं 9 4। तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 9 और 4। और जो डी है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6 1। तो यहाँ पर मैं डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 6 1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो भी फिगर हमें दे रखा था उस फिगर के अकॉर्डिंग अब मैंने ए बी सी और डी चारों पॉइंट्स के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम पता करते हैं कि ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट्स जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए बी सी और डी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ए बी सी और डी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब चेक करना ये स्क्वायर है या नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सभी फोर साइड्स की लेंथ फाइंड करूँगा और डायगनल्स की भी लेंथ फाइंड करूँगा। तो सभी फोर साइड्स की जो लेंथ मुझे फाइंड करनी, तो मैं शुरू करता हूँ ए बी से और सबसे पहले मैं ए बी की लेंथ यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, सो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 3 3 का स्क्वायर और 7 - 4 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 और दूसरा 3 स्क्वायर भी होगा 9। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 18। और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि क्या होगा, 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3। और क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है तो 3√2 आ गया। तो यहाँ पे हम ए बी की लेंथ फाइंड कर चुके हैं और ए बी की लेंथ है 3√2। तो मैं ए बी की लेंथ लिख देता हूँ यहाँ पर 3√2। इसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 होल स्क्वायर और 4 - 7 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 - 6 3 का स्क्वायर और 4 - 7 - 3 का स्क्वायर। तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 और -3 स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 अभी हमने सॉल्व किया 3√2। तो हमारे पास ये भी 3√2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने बी सी की लेंथ फाइंड कर ली है और बी सी की भी लेंथ कितनी है, 3√2। अब बी सी की लेंथ फाइंड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ सी डी की लेंथ। तो सी डी है इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो ये है -3 होल स्क्वायर और ये भी -3 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 और ये भी -3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 18 हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 3√2। तो ये भी आ रहा है 3√2। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी डी की लेंथ है 3√2। अब इसके लास्ट हम ए डी फाइंड करते हैं।
तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो मैं यहाँ पे AD फाइंड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6-3 का होल स्क्वायर प्लस 1-4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 6-3 3 स्क्वायर और 1-4-3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9-3 स्क्वायर 9। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18, और जो कि हम जानते हैं क्या होता है 3√2। तो ये हो गया 3√2। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा था, इस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स इक्वल लेंथ की है, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये रोम्बस भी है, और इसको हम अभी स्क्वायर फिलहाल नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि देखो 4 साइड्स से इक्वल आ चुकी, तो ये तो रोम्बस के केस में भी होता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। और डायगोनल्स की लेंथ अगर इक्वल आती है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है स्क्वायर, और डायगोनल्स की लेंथ अगर अनइक्वल हो जाती तो हम इसको क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में डायगोनल्स की भी लेंथ फाइंड करना पड़ता है। तो डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करने के लिए मैं पहले फाइंड करता हूँ एसी की लेंथ। तो यहां पर मैं एसी की लेंथ फाइंड कर लेता हूं, तो एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9-3 होल स्क्वायर प्लस, और ये जगह 4-4 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9-3 6 का स्क्वायर, और यहां पे 4-4 तो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो वो तो रिमूव ही हो गया, तो ये पार्ट तो रिमूव ही हो जाएगा। अब 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा 6 आएगा। तो एसी की लेंथ हमने फाइंड कर ली है 6। अब इसके बाद मैं फाइंड करता हूं बीडी की लेंथ, तो बीडी की लेंथ यहां पर होगी स्क्वायर रूट ऑफ 6-6 होल स्क्वायर और 1-7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6-6 अगेन 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, रिमूव कर देते हैं, और 1-6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और 6 का होल स्क्वायर होगा 36, और 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, तो BD की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 साइड्स इक्वल लेंथ के, और उसके साथ ही जो ये डायगोनल्स दे रखे हैं, ये डायगोनल्स भी यहां पर इक्वल लेंथ के हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल सिर्फ ये एक ही होता है इस टाइप का, जैसे 4 साइड्स इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, और इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं स्क्वायर। तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल जो हमें दे रखा था इस क्वेश्चन में, ये स्क्वायर ही है, क्योंकि इसकी ऑल 4 साइड्स इक्वल है और इसके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करूंगा, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो को क्लोज करने से पहले 2 बटन को प्लीज क्लिक कर देना, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।